गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह हो गई है और अब हम जा रहे हैं, मुझे भी बाल अपने हेयर कट कराने हैं, रानी के भी हेयर कटिंग कराने हैं, तो हम दोनों जा रहे हैं हेयर कटिंग कराने के लिए और मुझे भी सेविंग भी करानी है। आज हमने भरपूर थोड़ा लेट तक आराम किया है, लंबी नींद ली है, आज थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है, तो आप सब बने रहिए, हम हेयर कट करा के आते हैं। और इधर हो रही है थंबनेल की तैयारी, हमारी वीडियो सेंड हो रही है तो उसकी थंबनेल बना रही है। चलिए चलते हैं हेयर कट कराने। मैं अभी गया था बाल कटाने के लिए तो पर वहां पर काफी ज्यादा भीड़ थी, तो मैं वहां पर नंबर उन्होंने उनके पास है तो उन्होंने बोला है कि जैसे ही थोड़ा सा रस कम होता है तो हम आपको कॉल करेंगे, तो हम जाके बाल कटा के आएंगे। ये देखिए। अच्छा, ये ऊपर से लाए हो? उग गए। अच्छा, टमाटर भी उग गया? टमाटर भी उग रहे हैं छोटे छोटे। तो अभी लगी थी भूख तो हमने कहा चलो नाश्ता कर लेते हैं घर पे चल करके, तो यहाँ पर देखते रहिए क्या बना रही है। बना रही हूँ मैगी भी, ये वाली निकली है। अच्छा, ढोकला बना रही हो, तो यहाँ रेडी हो गया ढोकला। ये वाली बना रही है लड्डू जी। अच्छा, ये पहला टमाटर है अपने ऊपर है ना? अभी यही है, दोनों ही है। मोमोज खाना है, मोमोज सुबह सुबह पूरी खाते हैं। रात को हम अभी ढोकला खाओ, चटनी नारियल की खाई की सॉस से। So guys, नाश्ता हो गया है और ये लोग चले गए हेयर कट के लिए, आते ही होंगे। और मैं थोड़ा सा बैठ के कुछ काम कर रही थी और ठंड का टाइम आ गया है तो नहाने के पहले नहाएं कि ना नहाएं क्या करें, मतलब नहाना तो पड़ेगा ही। अब जाती हूँ, गीजर चालू करती हूँ, अब जाके नहाऊंगी, फिर इसके बाद देखती हूँ खाने में क्या खाना है। अजय ने खाना है खीर, वो भी गुड़ वाली, तो दूध मैंने इकट्ठा ले लिया था, तो अब जाके खीर के लिए सबसे पहले चावल भिगाऊंगी फिर उसके बाद गुड़ वाली खीर बनाऊंगी। बहुत टेस्टी लगती है, ठंड में भी अच्छी लगती है। ये अभी अनपैक करना है पूरा सामान, अनपैक करना और भी टफ रहता है, तो इनको सब प्रॉपर सेट करना, धुलने में लगाने हैं कपड़े। कल ब्लैंकेट भी मैंने निकाल ली है, ठंड अच्छी पड़ने लगी, निकालना है कपड़े वूलन वाले, तो ये आ जाएंगे तो फिर दीवान से निकालूंगी कपड़े। और बच्चों की विंटर यूनिफॉर्म भी लेने जाना है, तो वो लेने जाना है। और अभी सबसे अच्छी बात हुई है कि बच्चों के स्कूल का टाइमिंग अब चेंज कर दिया गया, यानी अभी तक रहता था 7:30 बजे बच्चे निकल जाना जाते थे, लेकिन अब टाइम कर दिया गया 8:30 बजे का टाइम हो गया, जो कि बहुत अच्छा हो गया है। मेरे घर में ये एक कलाकार आ गए हैं, देखिए कल से देव की कलाकारी है, ये खुद से ड्रॉइंग बना रहा है, खुद से चिपका रहा है। इधर अभी क्या हो रहा है कंप्यूटर में, ये रखी है साड़ियाँ, जो कल 2 साड़ियाँ ले गई थी, ये साड़ी दी थी मैंने जो करवा चौथ में पहनने के लिए, मैं इसको शायद ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये साड़ी है जो मैंने अभी करवा चौथ में पहनने के लिए थी, बहुत प्यारी साड़ी, अब देखती हूँ उसे किस फेस्टिवल में पहनती हूँ। पांडे जी भी आ गए हैं, गुड़ ले आए हैं। A few moments later. So guys, खाना खाने के बाद अच्छी जोर की नींद लगी थी तो मैं सो गई थी, ये भी सो गए थे। अब जाते हैं, जाना है यूनिफॉर्म लेने तो मार्केट जाने का। सोए थे कि नहीं सोए थे जी? चप्पल नहीं मिल रही है, ठंडक है बाहर। हेलो फ्रेंड्स, तो शाम के बज रहे हैं 5 और अभी हम जा रहे हैं बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, ठंड के यूनिफॉर्म लेने। अरे भैया बहुत बड़ी है, मच्छर बहुत ज्यादा है हर जगह। चलो एक 28 नंबर स्वेटर है और 2 टोप हैं जो भैया का आइटम एक तो बस लेना था सब्जी, तो सब्जी भी ले लिए हैं और अब ये रहे सिंघाड़े। इधर अभी पांडे जी लाए हैं अमरूद, कच्ची कच्ची लाए हैं यार, कच्ची नहीं। अनी हाथ में दूर के अगरबत्ती लगाओ
और मूवी देख रहे हैं कौन सी, द रेलवे मैन, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बेस पे बनी है। क्या चटनी बना रही हो? धनिया में और क्या है? धनिया है, लहसुन है, मिर्च है और ये है सिंघाड़े। टमाटर नहीं है? टमाटर की चटनी के साथ नहीं खाते हैं। अच्छा, टमाटर साथ नहीं खाते हैं? नहीं, मूली सिंघाड़े खाना है। अच्छा, सिंघाड़े की चटनी बन रही है। आप क्या सोचे? हम सोचे चटनी बन रही है वो भजिए वाली। नया लाए है ना जो, इन्हें खाना था आज गुड़ वाली खीर, तो ये गुड़ वाली खीर बना रही हूँ। खीर पक गई है, इसमें लास्ट में मैं गुड़ डालूंगी। सो गाइस, यहाँ खीर बन गई और ठंड में बहुत ही टेस्टी लगती है गुड़ वाली खीर। मतलब ज़्यादा मैं गुड़ की खीर बनाती हूँ ठंड में, और बच्चों को पसंद है तो आए दिन खीर बनती रहती है। और अगर आपने नहीं बनाई है गुड़ की खीर तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी लगेगी। और अभी हो गई शाम, ये आ गए हैं, थोड़ा सा मुझे कुछ हेल्थ इशूज जा रहे हैं तो वहीं अभी डॉक्टर का पता करेंगे, तो अभी जा रही हूँ मैं दिखाने और जल्दी से दिखा कर आती हूँ। हेल्थ प्रॉब्लम बहुत दिनों से थी, सोच रही थी अवॉइड कर रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो अभी जाऊँगी और टेस्ट होंगे, उसके बाद ही पता चले एग्जैक्टली है क्या प्रॉब्लम। तो चलिए अभी चलते हैं, अभी इनकी चल रही है फोन कॉल। तो अभी जिन डॉक्टर के यहाँ गए थे हम, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो अभी हम आ गए हैं घर, ज़्यादा दूर नहीं, पास में है। और अभी मैं बाहर देखता रही कहीं कि अभी भी कौन कॉल चालू है, इसके बाद थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, हमने कहा थोड़ा वेट कर लेते हैं, अभी तो फिलहाल आ गए हैं। बच्चे अंदर देख रहे हैं टीवी। सर डॉगी कैसे ठंड में एकदम बैठा हुआ है। सो बस डॉक्टर के यहाँ जाना कैंसिल हो गया था, लेट हो गया था, तो फिर ये बोले कि कल चलेंगे। आ गए थे घर, फिर थोड़ा सा आलस आ गई, तो बोले कि अब कल जाएंगे, तो कल देखती हूँ कल कैसा टाइम रहता है। अदरवाइज मुझे पता चल गया तो इनको टाइम मिला ठीक है, तो मैं ही दिखा के आ जाऊँगी जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे। तो ये मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। आज डिनर में मैं बना रही हूँ भरवा बैंगन यानी कलौंजी, हमारे यहाँ बैंगन की कलौंजी कहते हैं। मसाला और ये फ्लैट पैन जो है, इसी में मैंने पूरा ऑयल और डालूंगी, अभी थोड़ा सा इसी में ऑयल डाल दिया है, ये फ्लैट पैन है तो इसी में बनाते हैं, इसमें बैंगन इसलिए आ जाते हैं। ये रहे बैंगन, तो इन्हें कट करूंगी इस तरह, मसाला अभी स्टफ करूंगी इसमें। मसाला गर्म है अभी, हल्का ठंडा हो जाए फिर वो करती हूँ। और इधर मैंने लगा दिया है आटा, रखा था तो चना, अभी ये लोग खाए हैं। इधर चल रही है मूवी, स्टार्ट हो गई है इनकी। कौन सी मूवी? हाँ कल जो लगाए थे कल अच्छी थी। हाँ सेकंड सीजन है। इनको खाना था आज कनौजी, मोस्ट फेवरेट। वैसे पालक कितनी ले आए हैं आज, रखी थी पालक। पालक का जूस है ना, पालक का जूस पीना स्टार्ट करते हैं आप क्या? हाँ पालक की सब्जी। और ये अभी मैं जबलपुर से लाई हूँ, बहुत ही प्यारा है, प्योर संगमरमर का है, जबलपुर में ही मिलते ही हैं। और ये इसका ये कूदने वाला गरम है अभी मसाला।